नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। मैं फिर से आ गया आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है विंडसर में, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट विंडसर में जाता है, क्योंकि विंडसर में भी अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज हैं, जैसे सेंट क्लेयर हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है। तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे, वहाँ का क्या सिचुएशन है, करंटली वहाँ की जॉब सिचुएशन क्या है, वो हम आज की वीडियो में एक्सपीरियंस लेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट का। मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बाद में। तो उसके अलावा उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वहाँ पे रहने की। तो ठीक है, आपने इनको पिछली वीडियोस में देखा होगा, इनका नाम ब्रजेश कुमार है और ये मेरे कज़न ब्रदर हैं। तो ये विंडसर गए थे, इन्होंने अपनी जो अभी रिसेंटली ये ग्रेजुएट हुए हैं सेंट क्लेयर कॉलेज से। तो इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, जॉब सिचुएशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या पड़ती है, ताकि जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिले। तो ठीक है, वेलकम। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि मैंने विंडसर से पढ़ाई किया, तो वहाँ पर मेरा 3 semester वहाँ पर मेरे ऑफलाइन लगे हैं, तो 3 sem मैंने वहाँ पर निकाले हैं। तो अभी मैं ग्रेजुएट हुआ। तो अंकित भैया विंडसर के बारे में क्वेरीज पूछेंगे और मैं आपको उसी बेस पे आंसर देता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा वो यही पूछूंगा कि हाँ, ये बता दो जॉब सिचुएशन क्या है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर इंडिया में बैठा है या किसी भी कंट्री में बैठा है, सबसे पहले वे जानने की कोशिश करता है कि उसको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब जरूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस निकालने होते हैं और स्टूडेंट ने अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर्स की फीस पे करनी होती है। तो ये बताओ कि करंट सिचुएशन क्या है। सो जैसे कि आपको पता है कि कनाडा में रिसेशन है, सो बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर कनाडा में थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो अगर विंडसर की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी का वहाँ पर भी फर्क पड़ा है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बट लिमिटेड है। तो वहाँ पर मेन यूनिवर्सिटी और सेंट क्लेयर कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो होने की वजह से ना वहाँ पर स्टूडेंट्स के आना जाना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी बात से वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिलनी हार्ड है। तो बट अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको गारंटी है कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, चाहे 1 month लग जाए, चाहे 2, चाहे 3। अगर आप बिना रुके सर्च कर रहे हैं, रिज्यूमे इन पर्सन दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जॉब मिलेगी। और कुछ टिप्स हैं जो आपको जॉब दिलवाने के लिए थोड़े से इजी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन शायद सबको पता ही होगा वो है रेफरेंस। अगर आपके रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड्स वहाँ पर है जो कि पहले कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर रह रहे हैं, उनके कनेक्शन से आप रेफरेंस या फिर उनके आगे उनको कोई एम्प्लॉय जानता है वो आपकी बात करवा के, जहाँ फिर उनका नाम अगर सेम उनके जहाँ पर वो काम करते हैं वही कंपनी में डलवा के आप रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं, और आपके जॉब मिलने के चांसेस 70-80% बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि मुझे ये बताओ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब्स किस तरह की मिलती हैं, क्या वहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट जॉब्स हैं या वहाँ पे कंपनीज भी हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपके पास सोर्सेज क्या हैं और आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। अगर आप रेस्टोरेंट्स में अप्लाई करोगे, जैसे कि वहाँ पर काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है, एशियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आप वैसे बिना एक्सपीरियंस के भी ट्राई कर रहे हो, बार बार अपना इंडियन एक्सपीरियंस आपके पास आया तो वो आप डाल के अप्लाई कर रहे हो बार बार, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। और जैसे कि अगर आपके पास लाइसेंस है, जी लाइसेंस, या फिर गाड़ी का लाइसेंस है, या फिर आपके पास गाड़ी है, तो आप वहाँ पर स्किप वगैरह, डोर डैश वगैरह कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी पैसे बन जाते हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है वहाँ का। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें, फैक्ट्री जॉब्स, तो वो विंडसर में काफ़ी कम है, और वहाँ पर अमेज़ॉन वगैरह की जॉब्स हैं। अगर आपके पास गुड एक्सपीरियंस है या फिर आप बार बार ट्राई कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर भी चांस मिल सकता है फिर उस जॉब्स में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि वहाँ पे मिनिमम वेज क्या मिलती है स्टूडेंट्स को। मिनिमम वेज वही है जो ओंटारियो की मिनिमम वेज है, तो वो तो बेसिक है 15.50 समथिंग, तो वो वहाँ की मिनिमम वेज है। और वैसे ये डिपेंड करता है कि आप जॉब किस लेवल पर कर रहे हो, अगर आप थोड़ी सी प्रोफेशनल जॉब पे हो या फिर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है जो कि आपको काम करने के साथ साथ ही मिलेगा, तो आपको ये चांसेस हैं कि आपको मिनिमम वेज से ज़्यादा मिले। वैसे बेसिक जॉब्स और मोस्ट ऑफ दी जॉब्स में मिनिमम वेज ही देते हैं। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वहाँ पे सिक्योरिटी जॉब्स हैं? सिक्योरिटी जॉब्स हैं, बट उसमें एक पॉइंट है कि सिक्योरिटी जॉब्स हैं वो आपको मिलने काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि सिक्योरिटी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी मतलब अंडर डेवलप है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा है कि आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, अगर आप वहाँ पर दूर तक पहुँच भी जाते हो तो आपका आना मुश्किल है, ऐसा थोड़ा सा सही नहीं है। तो अगर आपको सिक्योरिटी करोगे तो आपको, अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आपका सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा करियर है, फिर तो आप सिक्योरिटी कर सकते हो।
बट अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके चांसेस काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो पहले आप थोड़ा देख लें कि वहाँ पर है कि नहीं, तो फिर आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाएं। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे जॉब सिचुएशन की कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं है, तो कैसे एक स्टूडेंट मैनेज करता है अपने एक्सपेंसेस निकालने और उसके साथ कैसे वो अपनी फीस पे करता पूरे कोर्स की? वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर जॉब कैसी मिलती है, आपके कॉलेज के दिन कितने हैं और आप कितना टाइम जॉब पर जा सकते हो। बट उसमें मेन चीज़ ये आती है कि आप सेविंग्स कितनी करते हो। सेविंग्स काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि आप एक सेमेस्टर की फीस सेविंग से निकाल सकते हो अगर आप काफ़ी अपनी GIC अब उसको खर्च ना करो, और आपके पास जॉब हो चाहे ना हो अगर आपने GIC सेव किया तो आपके पास एक सेमेस्टर की फीस निकल जाती है अगर आपका बेसिक एवरेज कोर्स है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि सपोज करो कि विंडसर में थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, क्या स्टूडेंट्स विंडसर के बाहर किसी और सिटी में वहाँ पे जाते हैं जॉब के लिए? अगर वह जाते हैं तो क्या स्ट्रगल्स रहते हैं उनके? विंडसर के बाहर कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्री है, बट वहाँ पर ऐसा है कि आपकी अवेलेबिलिटी फुल टाइम चाहिए होती है, और वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं बट वो डिपेंड करता है कि आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा। तो वो ऐसा है कि अगर आपको आप ड्रॉपर हैं तब आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, और वहाँ जाना भी कई बार ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर इतनी दूर जाना, विंडसर में ही आपको कहीं विंडसर में ही कुछ जगह है जहाँ पर बस नहीं जाती, तो आउट ऑफ सिटी जाना तो वो तो आपको ऐसा है कि आपको राइड्स वगैरह लेकर अगर आप जा सकते हो तो आपको जाना पड़ेगा, और ड्रॉप में आप फुल टाइम काम कर सकते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर काम कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप क्या सजेस्ट करोगे फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कि विंडसर में आ रहे हैं, तो कैसे वो जॉब हंटिंग करें, कैसे वो जॉब फाइंड आउट करें? जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, तो अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसमें आपको एक दो महीने लग सकते हैं, तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर एक वैसे होता है कि बच्चे कई आराम से बैठ जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको, बट इन पर्सन आपको जगह जगह घूमकर अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बनाकर अपना स्केड्यूल है वो सेट कर, क्योंकि वहाँ पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं वो कई बार स्ट्रिक्ट होती हैं मोस्ट ऑफ कोर्सेज में, तो आपके पास इतने दिन नहीं होते काम करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी और कम हो जाती हैं, बट अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया, अब मुझे ये बताओ कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकोमोडेशन की, वहाँ पे बेसिक प्राइस क्या है एक अकोमोडेशन का अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे जाता है? तो अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना चाहते हैं। अगर आपका प्राइवेट है तो ऑब्वियसली कि प्राइस थोड़ा हाई होगा शेयरिंग से, बट बेसिक प्राइस स्टार्ट होता है 350 से, और कई इलाके हैं वहाँ पर आपको उससे भी कम मिल सकता है। कि बाकी सिटीज से कंपेयर करें थोड़ा रेंट कम है, बस बेसिक प्राइस 350-400 या फिर 450 शेयरिंग में इतना है। अगर आप प्राइवेट रूम है तो अगर आप काफ़ी वन मंथ के पहले, अगर जैसे कि इंटेक शुरू होने वाला होता है, अगर आप वन मंथ के पहले रूम ढूंढना शुरू करें तो आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो ये बताओ अकोमोडेशन के बाद, जैसे आपने अकोमोडेशन के बारे में क्लियर कर दिया डाउट, अब बेसिक ग्रोसरी के क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या वहाँ पे टिफिन सर्विस अवेलेबल है, तो क्या एक्सपेंसेस हैं उसके भी? ग्रोसरी की अगर बात करें तो अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, मतलब बेसिक नीड्स अगर आपकी हैं, तो 100-150 तक ग्रोसरी आपकी मंथली होगी। अगर आप, वो डिपेंड करता है कि आप कुछ चीज़ें होती हैं जो मनपसंद चीज़ें होती हैं जो शौकिया तौर पर हम खाते हैं, तो उसी पर अगर वो ज़्यादा होंगी तो उससे अबव जाएगा, अदरवाइज 150 और 100 के बीच में होता है। तो अगर टिफ़िन की बात करें तो टिफ़िन सर्विस भी अवेलेबल है वहाँ पर, बट उसके प्राइस एज़ कम्पेयर टू ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो स्टार्ट करते हैं 200-220 बेसिक वेजिटेरियन इतना मिनिमम है, तो 220 फॉर नॉन वेज, वो एक दिन आपको नॉन वेज भेज देंगे इंक्लूडिंग डिलीवरीज। तो ग्रोसरीज काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपके पास काम है और टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो फिर हम आपको टिफ़िन रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज अगर आपको कुकिंग आती है तो काफ़ी आप सेविंग कर सकते हैं बिना टिफिन के। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं एक्स्ट्रा? ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि जो सेंट क्लेयर और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है वो आपको जब आप आते हो सितंबर इनटेक में या फिर उससे पहले, उसको आप फीस के बीच इंक्लूडेड होता है 1 ईयर पास, और अगर आप मई इनटेक में है, जैसे सेंट क्लेयर में पिछली इनटेक में है, तो आपको 4 मंथ या फिर ऐसे बेसिकली पास मिल जाता है। तो मतलब बस पास की बात कर रहा हूँ? हाँ, बस पास, जैसे जो सितंबर इनटेक वाले होते हैं उनको 1 ईयर का मिलता है पास, उससे पहले आपको शायद 4 मंथ्स का मिलता है, शायद अभी वहाँ पर
वन ईयर का मिलने लगा। मैं एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक पूछूंगा पेरेंट्स के बिहाफ से कि विंडसर कितना सेफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर रहने के लिए। अगर सेफ्टी कंसर्न से देखा जाए तो एज माय एक्सपीरियंस विंडसर में ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अ सेफ एंड साउंड प्लेस क्योंकि अंडर डेवलप है थोड़ा सा, बट कुछ एरियाज हैं जैसे कि रिवर साइड की तरफ से वहाँ पर कुछ होमलेस वगैरह पीपल होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप काफ़ी रात को बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान तो हर जगह रखना ही पड़ता है। बाकी वहाँ पर आपको न्यूज़ भी आपको विंडसर की देखने को कम ही मिलती होगी, सेफ एंड साउंड प्लेस है वैसे तो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम पूरा आपको बताएं सिनेरियो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का और कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ठीक है फिर, अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको कोई भी डाउट होगा फ्यूचर में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। तो कोई भी क्यूरी होगी तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट और सॉर्ट इट आउट योर क्यूरीज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। चलो बाय।